Hi student, I am Bruna from Angel Paradise English School. I am second standard class teacher. Today I am going to teach you environment subject, chapter number 7, human body health and hygienic. Chapter number 8, human body health एंड हाइजेनिक. आज हम ह्यूमन बॉडी हेल्थ और हाइजेनिक के बारे में पढ़ेंगे. हाइजेनिक का मतलब होता है अपने बॉडी को और अपने सराउंडिंग को क्लीन रखना. आवर बॉडी इज लाइक अ मशीन. इट वर्क्स लाइक अ मशीन. व्हेन अ पार्ट ऑफ मशीन goes wrong, it requires repairing. When we fall sick, our body need a doctor to cure. अपना body एक machine है, वो machine के तरह ही काम करता है. जब machine में कुछ parts खराब हो जाते हैं, काम नहीं करता, तो वो हम रिपेयर करते हैं. वैसे ही हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, हमको बीमारी हो जाती है, तो हम डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं. ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज इम्पॉर्टेंट. टू कीप देम हेल्थी एंड फिट वी शुड फॉलो सम रूल्स of health and hygiene. अपने बॉडी में सारे पार्ट्स इम्पॉर्टेंट है. हम अपने बॉडी को एकदम हेल्थी और फिट रखने के लिए हमें बहुत सारी रूल्स फॉलो करनी पड़ती है हेल्थ और हाइजीन की. We have different body parts like head, face, lips, neck, hand, fingers, eyes, ears, chest, stomach, leg and feet. हमारे body में different parts है like head, face, lips, neck, hand, fingers, eyes, ears, chest, stomach, legs and feet. ये सब हमारे body parts हैं. We must do exercise to keep fit ourselves. हमें exercise करना चाहिए for हम अपना बॉडी फिट रखने के लिए. एक्सरसाइज. आवर बॉडी पार्ट्स ग्रो मच स्ट्रॉन्गर विथ प्रॉपर एक्सरसाइज. वी मस्ट डू एक्सरसाइज फॉर हैंड्स, लेग्स एंड हेड प्रॉपरली. समटाइम्स वी कैन डू योगा टू कीप आवर सेल्फ फिट. रनिंग इज बेस्ट exercise for leg. अपने body parts जब हम exercise करेंगे तो ही proper और stronger grow होगा. हमें legs, hand और head का भी exercise करना चाहिए. Sometimes we can do yoga. हम योगा भी कर सकते हैं अपने बॉडी फिट रखने के लिए. और हम रनिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं फॉर लेग. अब गेम्स. वी मस्ट प्ले गेम्स टू बिकेम मोर स्ट्रॉन्गर एंड टू कीप फिट. ड्यूरिंग एक्सरसाइज वी स्वेट अ लॉट. दिस स्वेटिंग removes the waste matter from the body. Proper diet should be taken to keep ourselves healthy.
हमें गेम खेलना चाहिए, हमें गेम खेलना चाहिए अपना बॉडी स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग और फिट रखने के लिए। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब अपने बॉडी में पसीना छूटता है। पसीने की वजह से क्या होता है, अपनी बॉडी में जो भी डस्ट है वो सब कुछ पसीना रिमूव करता है। पोस्चर, व्हेन वी सिट, स्टैंड एंड वॉक, द पोजीशन ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड पोस्चर। जब हम खड़े रहते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, जो हमारा पोजीशन होता है उसे हम बोलते हैं पोस्चर। प्रॉपर पोस्चर कीप्स आवर बोन्स एंड प्रॉपर पोस्चर keeps our bone and muscles in proper condition. It helps the bones to grow and work well. It makes us strong. जिस पोजीशन में हम खड़े रहते हैं, बैठते हैं या फिर खड़े रहते हैं बैठते हैं, वो सारे पोस्चर अपने बोन्स और मसल्स को प्रॉपर कंडीशन में लाता है। और हम जब खड़े रहते हैं या फिर चलते हैं बैठते हैं तो हमारा जो मसल्स होता है वो सब स्ट्रॉन्ग और ग्रो और अच्छे से काम करता है। वेज ऑफ बॉडी क्लीनलीनेस। आवर बॉडी इज अ वैल्यूएबल गिफ्ट टू गॉड टू अस। वी मस्ट कीप इट क्लीन एंड टाइडी। We must take care of our body. अपना ये जो बॉडी है वो गॉड गिफ्टेड है, उसे हमें बहुत ध्यान से और क्लीन रखना चाहिए और हमें रोज़ अपना बॉडी केयर रखने चाहिए। We must brush our teeth daily. हमें रोज़ ब्रश करना चाहिए मॉर्निंग उठते ही। We should keep our eyes and ears clean and save them from dust and other wastes. हमें रोज़ अपना eyes और ears को clean रखना चाहिए और उसे bad dust से save रखना चाहिए। We should eat hygienic food and drink sufficient amount of clean water to keep us healthy. हमें hygienic food खाना चाहिए, मतलब जो फूड से हम हेल्थी हो वो वैसा फूड खाना चाहिए और वैसे ड्रिंक सफिशियंट अमाउंट में पीना चाहिए जिससे हम एकदम हेल्थी और स्ट्रॉन्ग रहे। वी मस्ट टेक बाथ एवरी डे टू कीप आवर सेल्फ क्लीन। हमें रोज़ नहाना चाहिए, उससे अपना बॉडी क्लीन रहता है। वॉश योर हेयर विथ सोप और शैम्पू। अपने हेयर को रोज़ वॉश करिए सोप या शैम्पू से। यूज़ सोप टू क्लीन योर बॉडी। नहाते वक्त हमें सोप यूज़ करना चाहिए बॉडी क्लीन रखने के लिए। कीप अ सेपरेट टॉवल टू वेप अप योर बॉडी। हमें अपना एक अलग से टॉवल रखना चाहिए। वो टॉवल और किसी को यूज़ करने नहीं देना चाहिए। Thank you, students.